भाई ये 2000 के नोट बीन रहे हैं देखियो भाई। अरुण पवार इंडरी की भैयाओं को सबको राम राम है भाई। मौसम एरो है लाजवाब और टाइम एरो अच्छे और मैं निकल गया हूँ भैया लेके अपनी गाड़ी है फरार, क्योंकि इसमें मैंने कुछ नई तगड़ी चीज लगवाई है, मेरे को उसकी टेस्टिंग करनी है जरा लिटिल लिटिल सी। मेरे मन ना मान रो कि अरुण भाई कहीं निकल, पर भाई मौसम इतना भयंकर, मेरे को इसने कैमरा खुलवा दिया। देखो DF का ट्रक लेके जा रहा है, चाचा ताऊ जो भी है अपना। कितना रिस्की है यार ऐसे हाईवे क्रॉस करना, सरकार को बनाने चाहिए ऊपर फ्लाई ओवर से जिसपे पैदल यात्री जाए, वरना कोई मेरे जैसा तो नहीं खैर कोई संदीप भाई जैसा हैवी ड्राइवर उड़ा जाएगा बेचारे को, घर परिवार क्या होगा। अरे मैं तो लिटिल फन कर रहा हूँ भाई, ऐसे आराम से चलो किसी को क्या उड़ाना है। और तो भाई ऐसी बात, मैं निकल गया हूँ कहीं पे, अब मुझे डेस्टिनेशन नहीं पता। यस भाई यही सच है मोहन, आप बताओ डेस्टिनेशन की जानो कहाँ है। अभी जा रहा हूँ, देखता हूँ कुछ प्लान बनाता हूँ। अभी पहले पलवल तक पहुँच जाऊँ, 30-40 किलोमीटर है, फिर भाइयों को बताता हूँ जरा क्या प्लान बना है। भाई अब बाप का भाई चढ़ने जा रहा है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। अब मेरे ढोरे दो चॉइस है भाई, आई हैव टू चॉइसेस नाउ, आई एम ऑल अलोन। देखो कोई ना है मेरी गाड़ी पीछे तक, अब देख लो। अब मेरे ढोरे दो चॉइस ऐसे हैं भाई कि अब दो रास्ता कटेंगे, एक रास्ता तो कटेगी भाई इतके है, एक रास्ता कटेगी इतके है और एक रास्ता जाएगी सीधे। यानी कि कहने का मेरा मतलब तात्पर्य यही है, एक जाएगी वृंदावन आगरा साइड, एक जाएगी फरीदाबाद दिल्ली साइड और सीधे जाएगी भाई आपका मेरठ और ये मुजफ्फरनगर हरिद्वार ऋषिकेश साइड। इधर मैं वृंदावन मथुरा जा सकता हूँ, इधर तो फरीदाबाद दिल्ली में तो सड़ा पड़ा है, कुछ नहीं है, ट्रैफिक ही है। और सामने भैया फिर गंगा जी में अपने डुबकी मार के आ सकता हूँ। तो भैया दो मन है रहे हैं, क्या करना चाहिए यार, क्या करना चाहिए, घर वाले देखेंगे तो मुझे बहुत इस टाइम मतलब दे चुके होंगे। मैं घर पे वर पे कुछ नहीं बताया भाई मैंने कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं, बट एवर बन जाता है कई बार सोलो ट्रैवलिंग का मूड भी भाई। वो कहते हैं मतलब जब आप अकेले घूमने जाते हो यू एक्सप्लोर यूर सेल्फ, क्या डायलॉग सा है, व्हेन यू गो मतलब यू गेट टू नो अबाउट यूर सेल्फ, ऐसा कुछ है कुछ डायलॉग सा। मैंने सोचा चलो अपनी बेबी को लेके कहीं चलता हूँ, ये भी तो मेरी बेबी है, इसमें सोलो कहीं घूम के आता हूँ। यार किधर जाऊँ यार, समझ ना आ रहा कौन सा रूट लूँ मैं। गंगा जी चलूँ, बहुत दिन है यार हरिद्वार ऋषिकेश चले है भाई, घर पे भी ना बता क्या आया। और भाई ना कोई लत्ता लेके आया, कुछ भी नहीं लेके आया, कोई बैग नहीं कुछ नहीं। देखो चप्पल में भग गया, आप विश्वास नहीं रहो बोलो, आपने दिखाई दो लो, ये देखो नहीं बैग बुक कुछ भी तो नहीं दिखेगा आपको, लो डिग्गी भी खोल कर दिखा दो भाई ने, ऐसी क्या बात है कि ये देखो कुछ भी ना है यहाँ। मैं ना दुबका राखो मैंने कभी है, आप ये जान रही हम तुम दुबका राखो, देख लो भाई कुछ भी ना है। और ये तो फेम ऑफ कार्स की नया में धर दूँ, ये बजरी है अब तो यकीन है को भाई इनके कुछ भी ना है कहीं, और इधर उधर भी ना धर रहा को कभी आप लग रही हो क्या बाजी दान रो है, मतलब मैं निकलो तो कहीं और काम क्या हो। पर इसमें तो स्वाद आ रहा ड्राइव करने में और कुछ चीज़ करने में कि भाई ऐसे मन कर रहा है भैया अपना चल आगे चल तो जा। अरे मौसम भी इतना अच्छा खूबसूरत है ना, बहुत प्यार हो यार बहुत ही अच्छो, मैं क्या चल यार अरुण कई बार ये भी एक्सपीरियंस सही हो जाएगा। और भाई एक और यहाँ में तो दिक्कत आ रखी है गाड़ी में, देखो मैंने अब देखी ये सीट बेल्ट टू टू तो अब तो बंद होगी। खैर देखो सीट बेल्ट का लाइट आ रहा है, मैंने पहन रखी है अपनी सीट बेल्ट, देखो साइड में पोल रखी है, साइड में कोई बैठा नहीं है तो ये कायदे से वेट वो करती है कि 8-10 किलो तक अगर कोई बैठा है तो ये बत्ती दिखाती है, कोई नहीं बैठा पूरी गाड़ी में। अब मैं सीट बेल्ट लगा भी दूंगा ना चलो इसकी उसके लिए, क्योंकि टू टू बहुत इरीटेट कर रही है ये है, देखो अब भी करे जा रही है इसकी कुछ तो दिक्कत, सीट में से सेंसर वेंसर या तो लगाया नहीं है या कुछ तो इसमें दिक्कत हुई है, ये भी दिखवानी पड़ेगी यार एक अल्लाह। अब KMP छोड़ के ये चालू हो जाता है KGP। यहाँ भाई मैंने यू टर्न मार लिया आप कह रहेंगे कि अरे कहाँ छोरा है रे तू, क्या भाई कैसे बताऊं, अरे इतनी दूर मन ना कर रो इकले जाने को मतलब मैं सोच रहा चल वृंदावन साइड चल लेता हूँ यार, मतलब वहाँ बहुत दूर है यार गंगा जी हरिद्वार। मैं ना एक काम करता हूँ, मैं पहले सोच लेता हूँ गाड़ी रोक के क्या करूँ भाई, जब डेस्टिनेशन भी पता नहीं होती उसका भी अलग ही मजा है यार जिंदगी में, ऐसे निकल गए घर से पीस है
लाइफ में शाम का टाइम है, ऐसे आते जाते व्हीकल हैं, देखते रहो भैया उतर के कहाँ जाएं कहाँ जाएं। इतनी बेरोजगारी भी मस्त है यार, है ना भाई। अब गाड़ी उतर गई है ये इस रोड को, भाई लोग पहचानते होंगे हमारे होडल वोडल साइड के, ये भैया मैं इधर मुड़ गया हूँ होडल वृंदावन आगरा साइड। अब देखो मेरा मूड जब तक कहाँ तक जाता है वहीं तक जाएगा। वो डिप्पर मारते हुए कुछ लोग आ रहे हैं पीछे से, चलो भाई तुम मार लो, जवानी चढ़ रखी है ना तुमको मारो। तो भाई देखो भाई मैंने कौन बुला लिया, सुना भाई कैसा है तू? बहुत बढ़िया भाई। तो यार मोटरसाइकिल खरीद के लिए आया तू नहीं हो बता भाई, भाई मैंने मेन रोड पे बुलाया है मोटरसाइकिल लेके आ गया भाई। भाई बता किससे आता फिर तो भाई कहीं गेला तो मैंने कही कि ये कहीं चलेंगे कैसे, कही कि दो मिनट में पंचारी चाहिए या तो जोड़ो कहीं। तो मैं भाई एक बात बताऊं, मैं आपसे मतलब दो मिनट में क्या करूंगा, मतलब अब ऐसा करो इसको अब कड़ी करके आओ, चलते हैं दोनों भाई कहीं। कड़ी तो घर पे ही होगी फिर, यहाँ कर दे यार। हाँ यहाँ दे दू या मैं जोड़ में क्या दे दे भाई। रेल जा रही है, मामा का बैठा लिया है हमने, सुना दे मामा के हाय हेलो कर दे भाई इनते। हेलो ऐसा करेगा का? चल और सुना ठीक ठाक घर परिवार सब ठीक? ओ सब बढ़िया भाई। अभी माई अर्थ मिल के आ गए हैं, मामा माई थे और भाई हमने उठा लिया है भाई। ओहो मोमो के, अब भाई देखते हैं वृंदावन साइड या उधर साइड ही घूम के आते हैं। सोलो ट्रिप तो मेरी वो कामयाब नहीं हो पाई यार, मैंने आज सोची पता सोलो ट्रिप मार खाऊंगा कहीं। अच्छा सही है और का फिर मैं वहां चले गो आगे तक पहुंचो घनो ही केजीपी पे, केजीपी पे फिर उल्टो मैं कि यार नहीं यार बहुत दूर पड़ जाएगा हरिद्वार ऋषि के, सिकलो जा रहा हूँ मैं। तो मैंने की छोड़ अब चले, अब चले, अब चल ले तेरी मौसी को ब्याह रहे, मौसी के छोरा को ब्याह है। बापू बापू उठाइए उठाइए फोन उठाइए, लग जाए यार इधर सारा। ना 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 ना, चलो भाई मामा से बात कर लेता है ये। पापा ही बच्चा रही हूँ। अरे अरुण भैया आए? हाँ देख लूंगा। हम ब्याह माज नहीं करेंगे ना ब्याह ना, पों पों कर रहो इतनी तेज पल्ली साइड थे कि फाटक खोल। हाँ ओ यार के बाप को राज है क्या चर बीस वाले को। भैया कितना टाइम लगेगा? ये बढ़िया लगा वो तो यार, हम खामा का खड़े हमारी जब थे। अच्छा एनर्जी ड्रिंक ले लिया ना उसने, ले लिया यार कितना रिस्की है, एकदम रेल आ जाए तो बढ़ा जाएगा तो भाग जाएगा ना, इतनी नजदीक को थोड़ी देख रहे भाई। तो मान लगे गाड़ी खराब है की जुम्मे तो यहाँ पर रहेगी, अपनी मन मर्जी तो खोल रहा है इधर तो देख के आए हो बाहर तो निकल रहे थे भाई। चलो भाई बढ़िया, अच्छा आदमी था, अच्छा आदमी था। चलो भाई प्लान करते हैं, मामा क्या क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, मामा कुछ दे दे ओपिनियन है। तो भाई सुनो मेरी बात है, ठीक है अब हम दांतू से मिले, सॉरी तनिष से मिले, सच कैसे बोल जा। तो भैया उसने हमारा प्लान भी गड़वा दिया पूरा कंप्लीट, हम वृंदावन जा रहे थे पर बांके बिहारी जी ने हम बुला नहीं रहे, टाइम ऑलरेडी 9 बज गए हैं, जहाँ मैं लूपो वीडियो। तो भाई उसने हमारा प्लान दिया बिगाड़, हम कह रहे चल हमारी गैलू करो भाई, मैं तो भी हम जा रहा हूँ, तो हम कह रहे हमें ले चल जा रहा हूँ, तो हमें क्यों ठगवा हुआ है इनमें, ऐसे इनमें रेस्टोरेंट में हम भी खा लेंगे। मामा कहाँ है मैं? तो भाई ये वो आ रहा है फिर हम ही चले फिर भाग गए। भाई शेर ने अपना सामान निकाल दिया है भरने के लिए, ठूसने के लिए, पंजाबियों की शादी है वो तगड़ी पाती है बहुत, कह रहा भाई बहुत तगड़ी शादी मिलेगी। और भाई ये देखो तगड़ी बारिश भी मिल रही है तो बरसात के मौसम पे भाई के आलम पे भाई मजा आ रहा है यार, बेमौसम बरसात का ये अपनी मजा, पर यार ओला ना पड़ने चाहिए कतई, किसान आदमी का बुरा हाल हो जाएंगे कतई, इन्होंने खेत लौट जाएंगे, लगता भी बदलने हैं अभी वहीं जाकर बदलेंगे पार्किंग में। चलो भाई चलते हैं धीरे 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 धीरे, एकदम से बढ़ गई यार जैसे मैंने फोन कैमरा खोला अभी तक मंदी मंदी आ रही थी, कैमरा बंद करते ही बंद हो जाएगी क्या यार, ब्याह वाला इनको तो ब्याह भी कर जाएगा जिनको बिताएंगे ब्याह ओपन गार्डन है ना, साइड पर इतना साइड ओवर ना हो ऐसा रहे ना, हमारे साइड में है उधर साइड ना है। ये तो आप काफी गुड़ कह रहे हो यार, ये इतना दिमाग आप बचपन से ही लेके आए थे, एडवांस में कोई कोर्स किया था इसके लिए? नहीं नहीं वो इन रेंज से रह के हो गया देख एकदम गई बंद गई एकदम, यही बात सुन के भाई लाइव आपके सामने एकदम गई देख रहे भाई हम ऐसा, देखो देखो किसके किसके लत्ते पैर रहे हैं, यहाँ बारात चल रही है, दोनों भाई एक ही साइज है यार डार्लिंग। मेरे जूता कहाँ है? वैसे जूता तो लिया ना, यस ऐसी पहनता तेरा भाई, बेल्ट दे तू बेल्ट लगा भाई, मैं भी चप्पल में आ गया था किसी बहाने से, मैं चल इसके गुरुजी बोलते देख ले लोवर टी-शर्ट भागो तेरे भाई
इधर साइड तेरे भाई मलूक है तो इनकी जरूरत नहीं वैसे तो सलाम ठोकते मैं तो मलूक ही पहले थे दोनों भाई पहले से मलूक है यार भैया ग्रीनलैंड 44 सी ग्री में हम लोग आ चुके हैं जल्दी जूता पहन के अंदर एंजॉय करते हैं भाई देखो भाई तनीस और ये रवि दोनों 2000 के नोट को दे कंडी साफ भाई ये 2000 के नोट बीन रहे हैं देखियो ले साफ करने के नहीं बीन रहे 2000 के नोट पड़े भाई भाई सही लग रहा तेरे एक बार देखियो ये आउटफिट पंजाबी 2000 के नकली बरसा में यार हद हो गई यार मैं तो थक गया यार भाई यार पंजाबी नहीं 11 बजे मतलब वो होवे एंट्री है भाई जाटा के छोरे दुनिया में सबसे न्यारे जाट ते जट गुड भाई हैंडशेक करो इसे बात जाट ते जट भाई हरियाणा के जट पंजाबी वाह भैया ही तो अलग ही सोना मैं भी अपने ब्याह में ऐसी करवाऊंगा ब्याह पता ना कब होएगा कब भी होएगा अच्छा होएगा वाह यार वाह वेरी नाइस भाई का तगड़ा फंक्शन चल रहा है यार बहुत ग्रैंड भाई कसम से नेक्स्ट लेवल दुल्हन की एंट्री दुल्हा की एंट्री एक नंबर जिससे कहते हैं देखना एंट्री तो मामा के पीस ही परो कच्चो मामा है और बनाने तेरे जैसे तो आज कसम रहेगी थोड़ी रह गई लिटिल अगले जन्म में देखेंगे